जो भी आप यहाँ पर अमाउंट रिसीव करेंगे, जितना भी पे आउट आपका बनता है, जीरो फाउंडिंग मेंबर के लिए बोल रहा हूँ मैं, जितना भी आपका पे आउट बनता है फर्स्ट मंथ में, आने वाले 3 मंथ्स में वो ट्रिपल हो चुका होगा। तो इस बात को बिल्कुल आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि मेरे नीचे कोई यूजर्स नहीं है तो मुझे यहाँ पर अर्निंग्स आएंगे, लेकिन बहुत छोटे से अर्निंग्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बड़े अर्निंग्स भी यहाँ से आएंगे, लेकिन आपके अर्निंग्स आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जिन लोगों ने अपना एफिलिएट क्राउड यहाँ पर बनाया है, जिन्होंने एफर्ट लिए हैं, तो पहले दिन से वो बड़ा अर्निंग यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। उनको जो बोनसेस आएंगे, बोनसेस यहाँ पर सबको आने वाले हैं, जीरो फाउंडिंग मेंबर हो या फिर जिनके नीचे टीम हो या जिनके नीचे हम एफिलिएट क्राउड हो, सबके बारे में सोचा है ऑन पेस्यू ने, और सबके लिए यहाँ पर सारी चीजें हैं। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, स्पेशली जो जीरो यूजर बेस्ड फाउंडिंग मेंबर है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। एक सवाल है शैलेश कुमार जी का, नमस्ते अनुप सर, अर्चना मैम, मेरा सवाल है कि जो पैकेज सितंबर में खरीदे हैं उनका वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी क्या? तब तक तो बढ़ता ही जाएगा, जीरो टीम वाले सिर्फ इंतजार ही करते रहेंगे, आप कुछ बताइए सर प्लीज। नहीं, वैलिडिटी अगर बढ़ा भी दी जाए तो एक ही बार बढ़ाई जाएगी, और अगर ये चीजें नहीं होती है नवंबर में फुलफिल, तो फिर 1 महीने के लिए इसे एक्सटेंड किया जाएगा, और वो मेजर 1 महीना होगा, और उसमें सारी चीजें कर लेगी कंपनी। जीरो यूजर्स वालों को या फिर जिनकी टीम है नहीं है, जो भी है, हम सभी लोग यहाँ पर हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऑन पेसिव आपके लिए सोच रही है, बट ये टेक्निकल जो कुछ एरर्स आ रहे हैं इस वजह से हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और ऑन पेसिव में ये सिचुएशन पहली नहीं है, इसके पहले बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई, बहुत बार ऐसा एक माहौल बना, एक ऐसा समय आया कि जिसमें हम पैनिक हो गए, जिसमें हम घबरा गए, डर गए कि अरे यार ये अभी इतना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आगे ये चीजें होगी कि नहीं होगी। बट उन चीजों को ओवरकम किया है मिस्टर एश ने, उन चीजों को ओवरकम करके दुनिया को दिखाया है कि ऑन पेसिव देखो, कोई भी अगर समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो उस सोल्यूशन को हम बना लेते हैं खुद। अब जब सोल्यूशन बनाने शुरू होते हैं ना तो उसको समय लगता है। अगर पेमेंट प्रोसेसर का इश्यू है तो अभी तो हम थर्ड पार्टी यूज करेंगे, क्योंकि इतने जल्दी मुझे नहीं लगता है कि हमारा गेटवे बनकर रेडी होगा। जब तक गेटवे नहीं बनता है तब तक हम पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए थर्ड पार्टी पर ही डिपेंड रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा गेटवे बन जाता है हमारी पूरी डिपेंडेंसी किसी और से हट जाएगी, हमारा खुद का ओन प्रोसेसर, ओन मर्चेंट हम खुद होंगे और हमारा खुद का गेटवे होगा। तो कितने भी बड़े ट्रांजेक्शन हो, अभी यहाँ पर 25K की लिमिट दी गई है, मे बी हमारा गेटवे आने के बाद वो भी लिमिट हमें ना मिले, मल्टीपल और अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन यहाँ से आपके अकाउंट में सेंड किए जाएंगे। सो डोंट वरी, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब किसी चीज की मिलने का समय नजदीक आ जाता है तो समय बिताना कठिन हो जाता है, अब इंतजार नहीं होता। अजहर जी बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, और पूरे हमारे भारत में जितने भी फाउंडिंग मेंबर है पूरी दुनिया में, उनको सबको लगता है कि बस अभी तो सारा हो गया था काम, अभी तो ओएस में वो कनेक्ट पेड प्रोडक्ट आ गया था, हमने तो परचेस कर लिया था, हमने यहाँ पर एफर्ट लिए, हमारे नीचे डायरेक्ट हमने बहुत सारे यूजर जोड़े, उन्होंने भी अपने सब्सक्रिप्शन लिए, उनका 25% एंड 100% हम कमीशन भी रिसीव हमने कर पाए, और ये अब कब जाके हमारे बैंक में आएगा? हम देख पा रहे हैं कि वहां पे आपके कमीशन पड़े हैं बट आप उसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे, और ये स्थिति बहुत ज्यादा कठिन होती है कि हमारे पास सोर्स है लेकिन उस सोर्स को हम यूज नहीं कर पा रहे। और क्या कंपनी नहीं चाहती है कि यहाँ पर आपने जो मेहनत की, आपके मेहनत के थ्रू आपको यहाँ पर जो कमीशन रिसीव हुए, ये कमीशन आपके अकाउंट में नहीं जाए, ऐसा कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती है। बट ये प्रोसेसर के ही इश्यूज चल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन अभी ये जो भी होगा ना काम, ये प्रोसेसर जो भी होगा, एक नहीं मल्टीपल्स हैं, लेकिन इनके साथ जो भी हमारे इंटीग्रेशन होंगे ये परमानेंट होंगे, ये सॉल्यूशन परमानेंट है। जब तक हमारा खुद का ओन प्रोसेसर, हमारा खुद का एक खुद का गेटवे नहीं बन जाता है और उस पे काम चल रहा है, मे बी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम हमारे गेटवे पे सारी चीजें शिफ्ट करें, लेकिन तब तक हमें थर्ड पार्टी प्रोसेसर को ही यूज करना है, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते हैं कि कब तक हमारा गेटवे, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, प्रोग्रामिंग है, सारी चीजें हैं, अगर उसको समय लगता है तो तब तक हम वेट नहीं कर सकते हैं, और ये इंतजार बहुत कम समय का है, लंबे समय का इंतजार नहीं है, पिछले 4 या 5 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं, तो आखिरी की कुछ घड़ियां बची हैं, इस घड़ी में अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखें, अपने आप को बहुत शांत रखें और अपने आप को बहुत ज्यादा आप मोटिवेटेड रखें, यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं 100%।
दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। समीर जी का एक अच्छा एक यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कह सकते हमें, अनुप सर और पूरे परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। मेरा ये सवाल है कि आने वाले समय में ऑन पैसिव कंपनी क्या शेयर मार्केट में दिखाई दे सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आगे चल के कंपनी अपने शेयर रिलीज करती है मार्केट में, ये पता नहीं। बट मुझे पर्सनली लगता है कि हम जितने भी है अभी 14 लाख हमारे जो अकाउंट है, हम देखा जाए तो ऑन पैसिव में एक प्रकार का शेयर ही होल्ड करते हैं। हम इस कंपनी में एज अ पार्टनर हमारी भूमिका है, तो कंपनी मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में शेयर्स किसी को देगी। हमें ही सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है जो भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स करने। इसके अलावा कॉर्पोरेट लेवल पे कुछ डिसीजन अगर कंपनी को लेना है और उसके रिलेटेड अगर कंपनी शेयर मार्केट में अपना कुछ शेयर डालती है और उसके थ्रू वहां से इन्वेस्टमेंट लेती है, तो इसका तो हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे आंसर। बट मुझे लगता है कि हम सारे लोग शेयर होल्डर ही हैं और सारा प्रॉफिट सारे कमीशन हमें शेयर किए जाएंगे। डॉक्टर संजय, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। राकेश यादव जी का क्वेश्चन है, सर हम लोग का दिन कब तक आएगा, अच्छे दिन कब तक आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, हम लोगों के अच्छे दिन तो शुरू हो चुके हैं, बस एक क्या होता है कि एक पर्दा उठने का देरी है। एक जस्ट लाइक एक पर्दा है, वो पर्दा उठने का देरी है। आप देख रहे हैं कि हम कॉमर्शियल हो चुके हैं, हमारा मार्केटिंग कैंपेनिंग हो रहा है, हम वायरल हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमारा कोलाबरेशन हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, कई कई देश के गवर्नमेंट के साथ में हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें बैकएंड पे चल रही है, कोई भी काम रुका हुआ नहीं है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि पेमेंट का ऑप्शन रुका हुआ है, लेकिन बैकएंड पे और भी जितनी भी गतिविधियां हैं वो बहुत ही फ्लेबलेस चल रही है। और आप लोगों ने देखा होगा सुपर कार मजलिस से, आपने देखा जायटे से, आपने देखा इजिप्ट में, और भी जगह पे सम्मेलन हो रहा है। तो बैकएंड पे तो हम लोगों की सफलता की कहानी शुरू है, स्टार्ट है, बट हम लोगों के वैलेट पे जो एप्पल्स आने हैं वो थोड़ा सा रुका हुआ है। इसलिए हम सबकी जो सफलता की कहानी है वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, एक पर्दा उठने का देरी है। और जैसे ही हमारा पेमेंट गेटवे सफलतापूर्वक स्टार्ट हो जाएगा तो हम सभी के वैलेट में बहुत सारे एप्पल्स आने वाले हैं, बस इंतजार कीजिए। इसलिए कि आज सर बार बार कहते हैं, वी आर इन इट टू विन इट, डन डील। और डी 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 ट्रिपल डी हम लोग हैं, डू डाई एंड डज, ये जो हमारा जो स्लोगन है, बिल्कुल हम लोग जीतने वाले हैं। धैर्य रखिए, डू पेशेंस का एंड डाई डेली, है। यस, डू एंड डू डाई एंड डाई डेली। डेली में कंपनी के सीईओ इस सिचुएशन में है। डू एंड डाई डेली, वो कहते हैं कि मैं डेली ऐसे